जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आर्मी की भर्ती में हो रहे हैं लगातार बदलाव, ठीक है। तो आज है 6 मार्च। 6 मार्च की सबसे बड़ी मैं अपडेट आप सभी लोगों को देने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों ने फॉर्म डाल दिया होगा या डालने वाले होंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और नई भर्ती में 3 चरणों में होगी भर्ती, क्या बदलाव किया गया है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि बेसिक इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो क्यूरी थी, बहुत हजारों लाखों लड़कों के साथ फॉर्म भरने में समस्या आ रही थी। तो इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे वहाँ पे सारी वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करें उसे हिंदी इंग्लिश दोनों में सुन सकते हैं, आधार वेरिफिकेशन कैसे करें, प्रोफाइल को अपडेट कैसे करें, फॉरगेट पासवर्ड कैसे करें, पेमेंट कैसे करें, सब कुछ आपको बताया गया है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। और यहाँ पे रैली नोटिफिकेशन पे, यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हर जगह की रैली का फॉर्म भरा जा रहा है। और आप लोगों को नोटिफिकेशन में डेट आपको पता ही होगा कि लास्ट डेट आपका यहाँ पे दिखा रहा है 15 मार्च, ठीक है। और एग्जाम का डेट यहाँ पे आपको 17 अप्रैल से आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये तो थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को पता है, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है वो भी पहले सुन लीजिए। सिलेबस से रिलेटेड बात की गई है, अगर हो सके तो आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ये एडवांस नोटिफिकेशन है। हाँ, सिलेबस वही है जो क्वेश्चन पहले आते थे, सेम उसी टॉपिक से आएंगे। जीके जीएस जो मैथ आपका रीजनिंग है सब सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये बात ध्यान में रखा गया है, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 1 घंटे का टाइम, और वही अगर डबल क्वेश्चन आते हैं तो टाइम आपका डबल हो जाएगा, 120 मिनट, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सेना भर्ती में जाने के लिए जो युवाए कुछ बात का ध्यान रखेंगे कि अब 3 चरणों में होगी, ठीक है। सबसे पहले बता दूं ये 4 मार्च शाम दोपहर की अपडेट है, ठीक है, और दैनिक जागरण अपडेट पे, ठीक है। यहाँ पे जो कर्नल है, ठीक है, त्रिपाठी, उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे 2 बातों को ध्यान रखने वाला है जो मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ऑनलाइन शुल्क है जो 250 कट रहा है इस समय से, ठीक है, उसे हो सके तो आगे चल के 500 कर दिया जाएगा, और आपका फिजिकल का भी काटा जा सकता है चार्ज अगर एडमिट कार्ड के बाद दोबारा बुलाया जाता है तो। 50% हिस्सा भारतीय सेना को वहन यानी डोनेट उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यही चरण प्रक्रिया होगी। पहले जब एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद दूसरा चरण आपका जो फिजिकल होगा, उसके बेसिक्स पे दोनों के नंबर मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अगर आप एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो अपना फिजिकल भी सही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके भी नंबर आपको जुड़ने वाले हैं, ठीक है। वो नंबर जुड़ेगा तभी आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका सिलेक्शन होगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये पिथौरागढ़ भर्ती से बताया गया है। यहाँ पे इनका नाम था, यहाँ पे नाम देख लेते हैं, कर्नल निर्देशक अमियन त्रिपाठी ने, ठीक है, पत्रकारों को बताया है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, सेना भर्ती से रिलेटेड पंजीक्रिया 25% शुल्क भर्ती वाहन करेगी, 176 सेंटर पे होगा, ठीक है। एग्जाम 250 रुपये शुल्क अभी लिया जा रहा है प्रजेंट टाइम में, अभी प्रजेंट टाइम में 250 रुपये अभ्यर्थियों से शुल्क लिया जा रहा है फॉर्म भरने का, ठीक है, डेट आप लोग को पता है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें साफ साफ सेंटर का नंबर दिया गया है, ठीक है, दिल्ली हेडक्वार्टर से यहाँ पर जारी किया गया कि किसी भी अभ्यर्थी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो इस नंबर पे वो सीधा फ़ोन करके अपना सवाल का संतुष्ट जवाब पा सकता है। तो इस नंबर को नोट कर लो, ठीक है, सभी लोग इस नंबर को नोट कर लो। ये तत्काल 1-2 दिन के अंदर की जानकारी है जो आप लोग तक मैं पहुंचा रहा हूँ। आप लोग का कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनके दिमाग में कई सारे इशू हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई नहीं दे पाता है, जो हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाती है, ठीक है। भर्ती रैली के दौरान से भीड़ पर लगेगा नियंत्रण, क्योंकि पहले ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो भीड़ पे नियंत्रण लगेगा। आपको 16 फरवरी से 15 मार्च तक यहाँ पे आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होगा अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट मारो, ऑफलाइन मारो ऑनलाइन मारो। ऑफलाइन में बुक्स ले लो, कोई भी बुक्स ले लो जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस सेट हो, डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट मारो, डेली कम से कम डेली। अभी मार्केट में मैंने एनालिसिस किया, ये चुक्सु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है जिसमें मैंने देखा कि जो अग्निवीर जीडी की 10-20
30 नहीं पूरे 50 प्रैक्टिस सेट का कलेक्शन है, ठीक है, 50 प्रैक्टिस सेट का कलेक्शन है, और जिसमें आप के जो रिलेटेड टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं 2023 के एग्ज़ाम पे आधारित, उससे रिलेटेड ये सवाल हैं। नीचे इसका सोल्यूशन भी दिया है, ब्रीफ पूरे एक्सप्लेन के साथ आंसर भी दिया है, सोल्यूशन भी दिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये और भी इनकी सारी शायद बुकें हैं, अग्निवीर जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन की, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये थी जो आज का अपडेट 6 मार्च की, ठीक है, ये आगरा वाले हर जगह वालों के लिए है, ठीक है। और कोई इशू होता है सीधा सेंटर पर, नंबर मैंने बीच में बताया वीडियो के, सेंटर के नंबर पर कॉल करो। ये दैनिक जागरण की अपडेट थी आज की, ये रैली नोटिफिकेशन थी। कोई इशू आता है फॉर्म से रिलेटेड तो यहाँ पे वीडियो उनकी दी गई है, तुरंत उनसे मेल करो, बात करो, अपनी समस्या का हल निकालो। और कुछ छूट गया है, कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली जानकारी और बढ़िया होगी आर्मी या अन्य डिफेंस से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो।